I sign in the front of in each and every activity. MashaAllah. May Allah give him good health. May Allah give him like good luck, and may Allah give him a good like biwi. So inka bhi kehne ke, unfortunately he's divorced. I don't know what was the reason behind the divorce, and he doesn't have any children, and he wants a lady. Whether he's divorced or whether he's like young, unmarried, but he should not have like any children. So the age of my brother Imran Rahman is 42. He's well settled here. He's British. He's totally British, and his education is like, I think, a legal. He's a legal advisor in some commercial company, and his profession is legal and commercial consultant. And his ID is NKH012. So anybody, any girl, or any the parents of the girl who have the girl the higher age. He's 42 actually. So should the age of the girl, it should be like 40 or 38 or like this. They can contact me about the Imran, NKH012. So may Allah give you a good wife. Wish you good luck. Okay, ji, next. अच्छा जी, ये हैं, ये बच्ची देखें आप, कम उम्र है, 26 साल इसकी उम्र है, ज्यादा नहीं है। वालेकुम सलाम इदरीस साहब, माशाल्लाह आए हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, और आज ये हमारा डिफरेंट प्रोग्राम देख रहे होंगे शादी ब्याह के हवाले से। तो इसमें हम बच्चियों के सबके वो पेश कर रहे हैं इदरीस साहब, सबके क्या कहना चाहिए, कवाइफ पेश कर रहे हैं, उनके बायोडाटा पेश कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह। कोई हमारे पास अच्छे खासी फैमिलीज यहाँ पर आई हुई है जो डायरेक्ट सुन रही है इसको, बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे लोग। तो ये बच्ची जो है, इसकी 26 साल उम्र है, लंदन में रहती है, ब्रिटिश है, और बीएससी इसने किया हुआ है, और इसने रेडियोग्राफी में इसने बीएससी किया हुआ है, और जॉब कर रही है एनएचएस के अंदर, सीनियर रेडियोग्राफर इन एनएचएस हॉस्पिटल। और इसकी शादी अब तक नहीं हुई है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो, लड़के वाले या लड़के लड़के खुद, वो जनाब मुझसे रब्ता करें, NKH041, ये इसकी आईडी है। ये नंबर आप उसे कहेंगे तो मैं इस लड़की की जो कवाइफ है, इसकी डिटेल्स जो सब आपको फिर आपको बताऊंगा उसके बाद। इसलिए यहाँ तो हम शॉर्टली बता रहे हैं असल में, लेकिन कि जब हम आप इस नंबर से जो आपको दे रहे हैं आईडी, उसके हवाले से अगर आप जब बाद में मुझसे रब्ता करेंगे, तो फिर मैं आपके मजीद आके ताल्लुक आपका बढ़ाऊंगा, प्रोसेस आपका शादी का आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो इसकी बच्ची का आईडी नोट कर लें आप, NKH041। अभी नेक्स्ट, ये लड़के लड़कियों, मर्द और हजरात दोनों के बारी बारी आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि दोनों ख्वातीन हजरात, या लड़के लड़की वाले, या खुद लड़के लड़का लड़की अगर देख रहे हैं, तो स्टे करें हमारे साथ, देखें हमें, और ये मगरिब तक प्रोग्राम को चलाएंगे इंशाल्लाह, और जितने भी इसमें आ सकेंगे आएंगे, वरना फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम में आपको हम दिखाएंगे। जी जनाब, ये देखिए, ये बड़ी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल यंग कहना चाहिए कि नोखेज है इसकी, तो 23 साल इसकी उम्र है, और ये ब्रिटिश है, लंदन में रहती हैं, और इसने पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से इसने ग्रेजुएशन की है इसने, और मेरे ख्याल अभी इनकी जॉब नहीं कर रही है, प्रोफेशन नहीं है इसका कोई, लेकिन ये शादी में इंटरेस्टेड इनके माँ बाप। तो अगर आप में से एक लड़के वाले देख रहे हैं, या लड़का कोई खुद देख रहा है, और वो इस 23 साल की बच्ची में इंटरेस्टेड है, जो ब्रिटिश लड़की है, और जिसकी अच्छी वेल क्वालिफाइड है, जो अच्छी सेहत है, इसकी खूबसूरत है, अच्छा खानदान है, अच्छे महजब लोग हैं, वेल सेटल्ड हैं, वेल लिहाज से वेल ऑफ हैं, तो इनसे अगर वो शादी में इंटरेस्टेड हैं, तो ये NKH043 नोट कर लें, उसके हवाले से बाद में मुझसे बात करें, फिर आपका रब्ता इंशाल्लाह आगे हम बढ़ाएंगे। जी जनाब, नेक्स्ट। अच्छा, ये देखिए बच्ची है, इसकी उम्र है 29 साल, 29। ये इस्लामाबाद में है, लेकिन ये यहाँ पर आ सकती है, मतलब ये कि इसमें कोई मसला नहीं है, रीलोकेशन में इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बतानी आराम से आ सकते हैं, और इसमें बैकग्राउंड है, और इसने एम कॉम फाइनेंस में इसने किया हुआ है, और ये इस वक्त जॉब कर रही है कि ये यूएस की फर्म है, यूनाइटेड स्टेट्स की फर्म है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें ये एम्प्लॉई है। इसकी शादी नहीं हुई है,
और ये इंटरेस्टेड है कि अगर यहाँ लंदन में, यूके में कोई इससे शादी करना चाहता है तो ये खुद वहां से यहाँ पर आ सकती है। तो 29 साल इसकी उम्र है और फिलहाल ये इस्लामाबाद के अंदर है। अच्छे खानदान है, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वेल सेटल्ड लोग हैं, वेल ऑफ लोग हैं, और ये कि कोई इसमें खूबसूरत है, सब सब खूबी है इनके अंदर, बुराई कोई नहीं है इसके अंदर। जनाब नेक्स्ट। अच्छा ये जनाब मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं। इनकी उम्र जो 30 साल है और ये लंदन में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये पीएचडी का डॉक्टरेट कर रहे हैं, जो मेरा भी सब्जेक्ट है। तो मेरे समझ लें कि जूनियर है वैसे मुझसे, लेकिन ये क्या, क्योंकि मैंने बीच में गैप लिया तो ये तकरीबन बराबर बराबर ही हो जाएंगे। ये डॉक्टर साहब मुआविया इनका नाम है और ये बच्चा, इनका खानदान है बड़ा अच्छा होता है, सेहत इसकी अच्छी है और स्लिम तो नहीं है, टॉल है थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छी, यानी कि जान इनकी अच्छी है और खूबसूरत है, हल्की सी दाढ़ी रखी हुई है और यहाँ जॉब भी कर रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं। तकरीबन मेरे ख्याल 8-9 साल हो गए हैं, 2 साल, 1-1.5 साल भी दोबारा ब्रिटिश हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो ब्रिटिश होने का मसला नहीं है इनका। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैं सब में ऐसे लोगों को ज्यादा प्रेफर करता हूँ और हमेशा ही कहता हूँ कि देखो यार, लालच नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर कोई स्टूडेंट इस बिना पे यहाँ शादी करना चाह रहा है कि जनाब वो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल रहा है, कुछ मतलब ये सिर्फ वही हो और पीछे की नीयत ऐसा ना हो, अखलास ना हो, तो अच्छी बात नहीं। या बहुत से ऐसे लोग जानता हूँ कि जो पेपर मैरिज करते रहे यहाँ पर, पेपर मैरिज जो एक तरह का जुर्म है सब यहाँ पे, पता ना होगा ब्रिटिश में, बरतानिया में, तो ये और अखलाकी तौर पे भी, और मैं कहता हूँ इस्लामी तौर पे भी जुर्म है। अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं और आपका दिल में यह कि बस जनाब ये पेपर पे रहेगी, तो ये कोई शादी शादी नहीं होती असल में, ये एक तरह का फ्रॉड होता है, एक तरह का जुर्म होता है। तो मैं तो कभी इंकरेज नहीं करता ऐसे लोग, बल्कि मैं सख्त, मतलब मुझे पसंद नहीं है, तो मैं देखभाल के इसलिए, इसका मुझे बच्चे का पता है कि ये बिल्कुल इसमें ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा खानदान है इसका, इसके माँ बाप को मैं जानता हूँ, इनके माँ बाप के दोस्त हैं वो यहाँ बरतानिया में है, बहुत बड़े काले में, बड़े बाकरदार बासा वैसे आदमी है, उनको जानता हूँ, तो इनकी इसकी मैं जानता हूँ, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ये जरा मुआविया है और मैं ये हिस्ट्री ऑफ क्या नाम है, वेस्ट वेल्स से कर रही है। अच्छा स्टडी, अच्छा ये इंटरेस्टेड है, इनका नंबर है NKH013। तो जो लड़की लड़कियां या लड़की वाले इंटरेस्टेड हो तो इसमें मुझसे रابطہ करें इस नंबर के हवाले से। जी इसका आगे मेरे ख्याल में। अच्छा ये बच्ची है जनाब, इसकी उम्र जो है वो 30 साल है, ये भी लंदन में रहती है, ब्रिटिश लड़की है, इसने डिप्लोमा इन फाइनेंस में इसने किया हुआ है, फाइनेंस के अंदर, और ये टीचिंग कर रही है एक स्कूल के अंदर। तो इनका भी अच्छा खानदान है, पढ़े लिखे हैं, मुहज्जब हैं, अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, खूबियां हैं सारी। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों तो वो मुझसे NKH031 ये नंबर नोट करें, इस हवाले से हमसे रब्ता करें। यार चाय पिला दो यार, बहुत देर हो गई है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम आपको अपने तबलीगी हवाले से कुछ बात करें। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हर मुलाकात का कोई ना कोई बहाना ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अल्लाह और रसूल की जरूर बातें होनी चाहिए, तो इस किताब के अंदर लिखते हैं कि जो खराबियां पैदा हुई असल में मुसलमानों के माशरे के अंदर, उसके अंदर कई वजूहात हुई। एक चीज तो ये थी कि दीनी तालीम और तो तरबियत का फुकदान हुआ, जिसकी बदौलत मुसलमान इस्लाम के कानून अजवाज से इस हद तक बेगाना हो गए। कानून अजवाज से मुराद यानी मियाँ बीवी के हकूक क्या है, एक दूसरे के मियाँ के हकूक क्या है, बीवी के हकूक क्या है, कैसे घर की गाड़ी जो है ना वो खूबसूरत तरीके से चले, वो कौन सा एग्रीमेंट है असल में जो मियाँ बीवी के दरमियान में शादी की सूरत में होता है, निकाह की सूरत में होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक एग्रीमेंट है असल में निकाह का,
कि जिसको जो अल्लाह का नाम लेकर किया जाता है, और जो अल्लाह के नाम से जो काम किया जाता है ना, उस पर अल्लाह ताला की बरकतें होती हैं, उसकी रहमतें होती हैं, उसकी इनायतें होती हैं, उसकी बख्शिशें होती हैं। वो फिर हर बिगड़ी को संभाल लेता है अल्लाह ताला, खराबियों को दूर कर देता है। घर जो होते हैं वो बसते हैं, फिर वो टूटते नहीं है। घर जो है वो आगे चलते हैं। एक सेहतमंद घर वजूद में आता है। एक सेहतमंद घर वजूद में आने के बाद एक अच्छी सोसाइटी वजूद में आती है, एक माशरा वजूद में आता है, एक शहर और मुल्क वजूद में आती है, एक कौम, एक वजूद में, एक अच्छी कौम वजूद में आती है। ये बुनियाद जो है वो एक लड़का और एक लड़की, एक औरत और मर्द का जायज ताल्लुक है, जो जिसकी बुनियाद जो होती है वो शादी होती है, निकाह होता है। और इसके इनको ना जानने की वजह से हमारे माशरे में खराबी पैदा होती रही। हुकूक, शौहर के हुकूक क्या है, बीवी के हुकूक क्या है, दोनों को कैसे जिंदगी गुजारना है, दीनी लिहाज से लोगों को इस बात का नहीं पता होता है। तो ये कहते हैं कि मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि इसकी वजह यही रही कि एक तरफ दीनी तालीम व तरबियत का फुकदान रहा, जिसकी वजह से मुसलमान इस्लाम के कानून अजवाज से इस हद तक बेगाना हो गए कि आज अच्छे अच्छे तालीम याफ्ता आदमी इस कानून के मामूली मसाइल तक से नावाकिफ है। तफसीलात तो दरकिनार, इसके उसूलों तक को नहीं, इसके बुनियादी उसूल तक को नहीं जानते, और ये समझने वाले मुसलमान बहुत कम मिलेंगे। हत्ता कि वो लोग भी जो अदालत की कुर्सियों पर बैठकर इनके मामलात निकाह और तलाक का तस्वीर करते हैं, इस्लामी कानून अजवाज के मबादी तक से नवाकिफ, यकीन करें इस्लामी शरीयत कोर्ट्स तो बना दी गई कई ममालिक में पाकिस्तान समेत, ताकि यकीन करें जजेस तक को नहीं पता था कि इस्लाम का अजवाज कानून क्या है, अल्लाह ताला के अहकाम इसमें क्या है, रसूल सल्लम की सुन्नतें क्या है इसमें। इस आम जहालत ने मुसलमानों को इस काबिल भी न रखा कि बतौर खुद अपने अजवाजी ताल्लुकात में इस्लामी कानून का ठीक ठीक इत्तबा कर सकें। रही दूसरी वजह, तो वो गैर इस्लामी तमद्दुनों का असर है कि जिसकी बदौलत मुसलमानों के अजवादी ताल्लुकात में नसीब बहुत से ऐसी रस्मियात और वहबियात दाखिल हो गए जो इस्लामी कानून अजवाज के उसूल उसकी स्पिरिट के मुताबिक न थे। तो ये मैंने कहा बीच में आपसे मैं बात करता रहूँ इस्लामिक लिटरेचर के हिसाब से। तो इसमें बेहतरीन जो किताब है ना, मैं आपको बताऊँ, हर मियाँ बीवी को, शादीशुदा को भी, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनको भी मैं अर्ज करूंगा कि वो हुकूक ज़ौजैन के नाम से एक किताब है मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की, उस किताब को जरूर पढ़ें। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों के हुकूक बयान किए हैं, दोनों के फ़राइज़ बयान किए हैं, और दोनों की वो लिमिटेशन बताई हैं कि जिसकी दिन लिमिट्स के अंदर उनको रहकर जिंदगी गुजारना चाहिए, और अगर वो इस तरह गुजारें तो कहते हैं ना कि उनका घर जो है वो जन्नत का नमूना बन सकता है। उस घर के अंदर अल्लाह की रहमतें और बरकतें आ सकती हैं। और जनाब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। हाँ भाई जी जनाब, ये हैं जनाब इरफान नसीम साहब, मैं इनको भी जानता हूँ। पहले ये लंदन में रहते थे, आजकल ब्रेडफोर्ड चले गए। इनका आईडी आप नोट कर लें, NK, जज़ाकअल्लाह, NKH014। इनकी उम्र भी अच्छी हो गई असल में, 40 साल। और मैं जानता हूँ इनका भी असल में ये रहा कि ये पढ़ते पढ़ाते रहे, फिर ये काफी जॉब्स करते रहे, डिफरेंट किस्म की और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रहे, लेकिन शरीफ आदमी है। ये बताऊँ मैं आपको, मैं जितना इनसे मिला हूँ, जहां तक जब से तकरीबन मेरे ख्याल 3 साल 4 साल से रहा है मेरा, तो मैंने इनको बड़ा एक नेक आदमी पाया। बहुत अच्छा इनका इल्म है कुरान सुन्नत के लिहाज से, बहुत अच्छा इनका किरदार है, बहुत अच्छा इनका इल्म है इनका। और शादी इनकी हुई एक ब्रिटिश खातून से, लेकिन ये कि बदकिस्मती से वो बात बनी नहीं। अब ये जनाब 40 साल के हो गए और कोई बच्चा नहीं इनके यहाँ, क्योंकि वजुहत जो भी मुझे नहीं पता क्या क्यों क्यों होती है डाइवोर्स। हर एक के आदमी के अपने अलग हालात होते हैं, और उसमें हमें कुरेदना नहीं चाहिए आम लोगों को, लेकिन बहरहाल जिनका रिश्ता हो रहा हो वो उनको सही मालूमात लेनी चाहिए और उनको उन साहब को या साहिबा को दे देनी चाहिए, इसलिए सच्चाई पे हर मामला तय होना चाहिए और हर किस्म के शुबे से बालातर बात होना चाहिए। अगर बात सच्चाई पे नहीं होगी ना, और बात बात बातें फिर बाद में खुलती हैं, वो बड़ी खराबी का बायस बनती है। तो मैं हर एक से ये मशवरा दूंगा, जो वालदेन सुन रहे हैं, जो लड़का या लड़की सुन रहे हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश होगी कि वो
सच्चाई में मामला करें, जो बात हो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें बता दें, अगर डाइवोर्स हुई है तो उसकी वजूहत भी बता दें खुल्लम बिल्कुल साफ साफ कि ये वजूहत थी, और अगर कोई और वजह है, कोई खामी कोई करामी जो कि बाद में असल में शादी के बाद खुले सामने, वो बहुत तकलीफ दे होती है, उसी वजह से तनाजा पैदा होता है, मैं आपको बताऊं तो। लिहाजा हर बात जो है ना, वो खा यानी कि लड़का लड़की की शादी हो रही हो, खा वो यानी कि बैचलर्स हों और अनमैरिड हों, और क्या कहना चाहिए कि या शादीशुदा यानी डाइवोर्स हों या कोई और वजह हो, मामले में सच्चाई को पेश नजर रखिए खुल्लम खुला। और जो जिनके बारे में कोई अगर मालूमात करना चाहता है उसको भी, जिससे कर रहा है वो भी बता दे उसको। ये दो वाहिद चीजें हैं कि जिसके बारे में शरीयत ने हुक्म दिया है हमको, कि अगर शादी के बारे में लड़का या लड़की के बारे में आपसे कोई पूछे और आपको मालूमात हो तो फिर आप मत छुपाइए, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, असल में उसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। तो ये चीजें, इन चीजों का बड़ा ख्याल रखें। तो ये इरफान नसीम साहब जो है, ये जैसे मैंने बताया आलिम दीन है, वापस लाइएगा, 40 साल की उम्र हो गई है, ब्रैडफोर्ड में रहते हैं, पाकिस्तानी बैकग्राउंड है, ब्रिटिश आजकल बरतानिया में है, और ये यहाँ पर डाइवोर्स हो रही है इनकी बेगम से, ये हो चुकी है मुझे नहीं मालूम, बहरहाल दूसरी शादी में इंटरेस्टेड है कोई अगर इनसे, और बहुत शरीफ आदमी ये मैं बताता हूँ आपको। तो जो इनका नंबर है, आईडी नंबर इनका होगा NKH014, ये नोट कर लीजिए, और इनके बारे में मजीद मालूमात के लिए फिर आप मुझसे रابطہ कीजिए बात जी जनाब। नेक्स्ट, इसका ये बच्ची है, 25 साल इसकी उम्र है, ये ब्रिटिश है, लंदन में रहती है, MSc इसने फर्स्ट क्लास किया है, और ये NHS में काम करती है, और ये वहां पर लीड करती है ग्रुप को, है हेल्थ लीडरशिप जिसे कहते हैं, पढ़ा भी इसने और जॉब भी इसकी है, ये एक मैनेजर है NHS नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको पता है उसमें, इसकी शादी अब तक नहीं हुई है, अच्छे खानदान की है, अच्छी पढ़ी लिखी है, वेल सेटल्ड लोग हैं, वेल कहना चाहिए कि सिविलाइज लोग हैं, हर लिहाज से अच्छी लड़की है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, कोई लड़का या लड़के वाले, तो फिर आप इस नंबर के हवाले से मुझसे रابطہ करें, NKH032, 25 साल इसकी उम्र है, ठीक है, और MSc इसने किया हुआ है, और ये हेल्थ की। अच्छा, अब ये साहबजादे हैं, इनकी उम्र जनाब 25 साल है, ये लंदन में रहते हैं, ब्रिटिश हैं ये, और ये होम ऑफिस में काम करते हैं होम ऑफिस में काम करते हैं ये, किसी को होम ऑफिस का काम हो तो ये इनसे रابطہ किया जा सकता है। तो ये 30 साल की उम्र है, और ये कश्मीर से इनका ताल्लुक है, मैं जानता हूँ, अब्बासी, तो ये अच्छे नौजवान है माशाल्लाह, देखिए स्लिम है, अच्छी सेहत है, खूबसूरत है, हल्की सी दाढ़ी रखी हुई है, और ये अच्छा खानदान है इनका। तो जो लड़का लड़की वाले इंटरेस्टेड हो तो ये नंबर नोट कर लें, NKH015, इनकी शक्ल भी आप देख लें, नजर आ रही होगी आपको, तो इनसे आप मुझसे मेरे जरिए से आप रब्ता कर सकते हैं इनसे जी जनाब। जी जनाब, ये एक और साहब आ गए हैं, आपकी याद से मैं चाय पीता रहूंगा, इसलिए ये लंबा सेशन है आज का। तो ये इनकी उम्र जनाब अरसलान अहमद साहब हैं, और ये बहुत प्यारा बच्चा है, इससे मैं मिला हूँ, इनके वाले भी बहुत पढ़े लिखे और बड़े क्या नाम है, वेल सिविलाइज्ड, वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड और विल वेल बिहेव। मैंने इनको घर जाके देखा, मैंने इनका घर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई असल में, तो मैं बताऊंगा कि बहुत अच्छा बच्चा है अरसलान, अच्छी इसकी, इसका एज है, इसकी टॉल है ये, 29 इसकी उम्र है, और ब्रिटिश है ये, ग्रेजुएशन की हुई है इसने कंप्यूटर साइंस में, और ये IT प्रोफेशनल है, हमारे करीबी एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें ये जॉब करते हैं, तो ये शादी करने में इंटरेस्टेड है, इनके वालदेन तो बहुत अच्छे, बहुत पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और बहुत अच्छे लोग हैं, तो लड़की वाले का देख रहे हो तो वो NKH018 के नाम से नंबर से आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं जी जनाब। इसके बाद जनाब स्क्रीन पर है बच्ची, इनकी उसकी उम्र 24 साल है, और लंदन में रहती है, ब्रिटिश है, यही की बॉर्न एंड ब्रॉट अप इसका यहीं पर हुआ है, कंप्यूटर साइंस में इसकी वह है डिग्री, और ये जॉब करती है
कंपनी के अंदर सेंट्रल लंदन में, आई एज ए आईटी कंसल्टेंट। को खास उम्र नहीं, देखिए कम उम्र है, अच्छी बच्ची है, अच्छा खानदान है, अच्छी सेहतमंद है, पढ़े लिखे लोग हैं, वेल ऑफ एंड वेल सेटल्ड। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो NKH033, ये नाम उसका हुआ है, हवाला रेफरेंस रेफरेंस से उनसे बात करें तो फिर हम आपको मजीद इनसे आगे आपकी बात करेंगे, रब्ता करा सकते हैं। ये जनाब, ये हमारे दोस्त के भाई, एक हमारे दोस्त हैं जो हमारे प्रोग्राम में तकरीबन रोजाना आते हैं, ये उनके भाई हैं, एजाज, तैमूर एजाज इनका नाम है, और ये पाकिस्तान में हैं लेकिन ये आराम से यूके आ सकते हैं, लैंड ओनर हैं ये, अपनी जनाब इनके कहना चाहिए जायदादें हैं और अपने घर हैं और अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी जमीनें हैं, तो ये जमींदार किस्म के लोग हैं और ये इंटरेस्टेड है यहाँ पर इनकी शादी हो जाए। अच्छी सेहत है जनाब, देखिए माशाल्लाह, लंबे चौड़े तुलंगे, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ये इनके भाई से बड़े, इनके भाई बड़े खूबसूरत किस्म के आदमी, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी है उनकी, और हमारे प्रोग्राम में बताते हैं माशाल्लाह, ये यहीं जॉब करते हैं, बच्चे भी पर सेटल हैं, वो ये भी आते जाते रहते हैं, तो इंटरेस्टेड हो लड़की वाले, कोई लड़का लड़की तो वो देखें बताएं उनको, तो उनका क्योंकि कहते हैं ना उड़ के आ जाएंगे इंशाल्लाह फौरन ही। अच्छा नेक्स्ट, हारून शहजाद साहब भी आ गए भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे मजा जाए, खैरियत से? आपकी आवाज आ रही है? ये जब आपने मेरा नाम बदल के आवाज आ रही है। जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरी आ रही है आपको? मेरी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है शमल भाई। अच्छा, तो फिर अब आपको मेरी आपकी आवाज जी आ गई, आ गई, आई डोंट नो, थोड़ी सी कट रही है लेकिन आ रही है। कैसे आप, खैरियत से? मैं वही मैं देख रहा था माशाल्लाह शमल भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ा माशाल्लाह नेक काम कर रहे हैं आप, और माशरे में मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों की बुनियाद पे ना माशरे में सही इस्लाह पैदा होती है। तो ये काफ़ी सारे लोग, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, स्कैटर्ड हैं, तो मेरा ख्याल में मुझे इस चीज़ में बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह आपने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया, और ना सिर्फ इनिशिएटिव लिया बल्कि मैदान में इसको लीड भी किया, और सबको सबके पास ये एक अपॉर्चुनिटी आपने प्रोवाइड की है कि सब लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। बहुत सारे लोग बेचारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाकिस्तान से, सिटी से, अपनी बैकग्राउंड से, मुस्लिम्स ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दूसरे कंट्री से भी यहाँ पे लोग आए हैं, तो इस चीज़ में एक जो जो कहते हैं ना डिपेंडेंसी, हमारा एक जो कल्चर है तो वो पीपल टू पीपल जिस तरह से चलता है और जिस तरह से लोग एक दूसरे की ट्रस्ट करके आगे फैमिलीज बनाते हैं हम लोग, जिस तरह से हमारा एक कल्चर है, तो वो यहाँ पे एक बड़ी जो है ना एक कोई एक हमें ऐसा किरदार जो है ना वो नहीं मिलता जहाँ पे जहाँ से हमें किसी चीज़ की जो है ना सही इसलाह का सही मशवरा मिल सके दीन के मुताबिक। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि परेशान रहते हैं, काफ़ी सारे बहन भाई अपने छोटे बहन भाइयों के लिए रहते हैं, तो वो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपका माशाल्लाह इनिशिएटिव है, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे, और मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि बड़ा दिल खोल के जो है ना क्या कहते हैं इसमें अपनी चीज़ों अपनी इंटरेस्ट को शो करें, और अपने बच्चों के अपने बहन भाइयों के आपके से छोटे हैं या बड़े हैं उनको यहाँ पे इस चीज़ के साथ मेरे ख्याल में आपसे कॉन्टेक्ट करें और अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे रजिस्टर करें, और इस चीज़ में मेरे ख्याल में देर नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरह से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म कि हमने जो पैमाने बना रखे हैं कि जैसे आपने मैं प्रोग्राम देख रहा था पहले आप बता रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या दूसरे यानी उनके स्टेटस वगैरह से उस तरह से क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे सारे बंदे इसी तरह से आए हैं, तो यह कि अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने मेहनत की अपने अपने तरीके से और जो है ना आगे बढ़े, अल्लाह ताला ने उन पर फजल किया, तो सब सब लोगों को मेरे ख्याल में इसमें इस चीज़ों में अपने इंटरेस्ट के लिए अपने भाई के लिए बहन भाइयों के लिए यहाँ पे अपने बच्चों के लिए रजिस्टर होना चाहिए, और यह कि ये एक ऐसा है कि इसमें माशरे में इसलाह पैदा होती है, ना सिर्फ इसलाह बल्कि एक माशरे के अंदर जो है ना डिफरेंट जो हमारा कल्चर है हमारा जो मज़हब हमें कहता है उसमें हमें इसमें बहुत अजर भी मिलता है मुझे लगता है, तो अपने बच्चों को बेराह रवि से बचाने के लिए अपने बहन भाइयों को और अपने ये जो माशरे में एक सो कॉल्ड जो है ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिस्टम की तरफ जो है ना ये दुनिया जा रही है जिसमें बिल्कुल वो जो है ना हर तरफ से फ्री रहना चाहते हैं जो यंगस्टर यहाँ पे हम देखते हैं,
तो ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये हमारा कल्चर है और ये हमारा जो मजहब है इसमें जो है ना किसी भी तरह से हमें इजाजत देता है। तो इसमें जब तक हम खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, अपने आप को इस चीज़ से हेजिटेशन में रहेंगे कि यार ये क्या करें, आगे जाएं कहाँ पे या किस तरफ देखें इसको या किस पे ट्रस्ट करें या किस पे नहीं करें, तो बेहतरीन उसमें यही होती है कि आप एक बेहतरीन अमल यही है कि आप अपने जो भी आपके अजीज हैं जो या जो भी आपके, तो उनसे उनके जरिए रब्ता करें। शमस भाई माशाल्लाह जो है ना वो एक जो जैसे वो अपना डबलिन में है ना एक्सपायर तो आयरलैंड के अंदर, तो वो जो है ना माशाल्लाह इसी तरह से हमारे पास हेज में है यहाँ पे शमस भाई। तो इनसे रब्ता करें, इनके साथ रजिस्टर करें, ना सिर्फ रजिस्टर करें बल्कि इनकी हिम्मत भी बढ़ाएं ताकि ये जो हमारे पास और जो सोशल जो हमारे पास जिन जिन चीज़ों के लिए हम भटकते हैं या मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों की डिफरेंट परेशानियां हैं, तो उसमें यह है कि जब तक हम ऐसे सोसाइटी इकट्ठे नहीं होते किसी एक प्लेटफॉर्म पे, तो ना सिर्फ कि इन शबद भाई की हेल्प करें बल्कि इनके साथ जो है ना आगे करें और देखें इंटरेस्ट को शो करें। जिस काम आप माशरे में आ सकते हैं वो इंटरेस्ट आप बताएं कि ये मेरी इंटरेस्ट है, इसमें मैं किसी के काम आ सकता हूँ। तो माशरा इसी तरह से हमारे माशरे की फैब्रिकेशन इसी तरह से है, सही, बिल्कुल तो मुझे लगता है कि ये इसमें इस तरह से हमें हिम्मत करनी चाहिए और जो है ना क्या कहते हैं और मुख्तलिफ जो हम लोगों ने जो सोसाइटी के अंदर पैमाने बना रखे हैं कि ये फलां चीज ये इसमें ये होगा, ये कास्ट होगी, ये क्वालिफिकेशन होगा, ये स्टेटस होगा, तो बिलीव करें कि इनको जो है ना थोड़ा सा हमें पसे पुश देख के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुझे याद आ रही है कि जिससे अब अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने मशवरा मांगा था कि ये शादी के लिए क्या पैमाने होने चाहिए, तो चार उन्होंने पैमाने बताए थे कि उसका एक जो है ना आपका जो जो भी आपका स्पाउस है उसमें मालो दौलत होनी चाहिए, उसका जो है ना क्या कहते हैं हसब नसब होना चाहिए और उसका जो है खूबसूरती होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसमें जो है ना वो कितना परहेजगार है, कितना मुत्तकी है, वो होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ों में देखें कि फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप पहली तीन चीज़ें नहीं मिलती आपको आखिरी चीज़ मिलती है, तो बाकी आप बना सकते हैं, बाकी आपको मिल जाएंगी। अब अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए इसमें जो भी हुक्म है जो भी हदीस के मुताबिक है, तो ये चार चीज़ों को मेरे ख्याल में देखना चाहिए इसी जगह पे, किस जगह पे भी नहीं है कि क्या स्टेटस है, कोई डाइवोर्स है या नहीं है, कोई खूबसूरत है या छोटा है या उसका, ये सारी चीज़ें जो है ना ये छोटे बड़े मालो दौलत वाले चक्कर छोड़ के तो आगे बढ़ना चाहिए। मेरा एक मुझे ये लगता है कि बहुत ये एक अच्छा, मेरी सोच है, बहुत हो बहुत सकता है शुक्रिया। किसी जगह पे यानी कि अच्छा ना मैं हमारा ये माशरा गुजारिश करूंगा बिजनेस पे कि नहीं जी पहुंचा। जी या मैं ये गुजारिश करूंगा कि मैं असल में हम चाह रहे हैं कि अभी कितने रह गए हैं रोहान? अच्छा ये कुछ चीजें मैं कहता हूँ कि कुछ आप भी पढ़ें, जैसे मैं यानी कि पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें से मुख्तलिफ लोगों के हम प्रोफाइल लगा रहे हैं यहाँ पे और उस प्रोफाइल को फिर मैं पढ़ता हूँ और उसके थोड़ा सा यानी कि बैकग्राउंड, तो आप पढ़िए इसमें फिर मैं उसका बैकग्राउंड भी साथ थोड़ा सा बयान कर दूंगा। तो रहा ऐसा होता है कि प्रोफाइल लगाएं और हारून साहब पढ़ें, ये तो हो गई है, ये तो हो गए, ये भी हो गए। हारून आपको ये नजर आ रहा है? जी, मैं देख देख सकता हूँ। जी, हाँ देख सकते हैं, और दिखाएं दूसरा तीसरा। हाँ इनका पढ़िए, ये आ चुके हैं मेरा ख्याल, नहीं ये नहीं आए। हाँ जरा इनका पढ़िए आप, थोड़ा सा इनका पढ़ के सुनाइए कि इनकी डिटेल क्या क्या है। हाँ ये जो मैं देख रहा हूँ ये हमारे भाई जो है ये एज इनकी 46 है और ये लंदन से, इनकी रेजिडेंस मुझे लगता है लंदन में है और नेशनलिटी ब्रिटिश है और क्वालिफिकेशन भी बड़ी अच्छी है, MBA इन्होंने किया है और ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये इनका जो प्रोफेशन है और मैरिटल स्टेटस इनका डिवोर्स्ड है। तो ये हमारे जो साथी हैं मोहम्मद काशिफ इनका नाम है, तो ये मुझे नज़र आ रही है इनकी डिटेल शब्द। अच्छा तो इसमें तो ये बताइए कि यानी डाइवोर्स होना कोई बुरी बात तो नहीं है? मेरा ख्याल है डिवोर्स होना बुरी बात नहीं है, एक तो ये तो जिंदगी में कुछ देखें, लाइफ जो है मुझे लगता है वो सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स है, तो अब जिंदगी में सारी चीजें तो ऐसे फैसले नहीं होते आपसे के जो कि सारे ठीक हो, तो बजाय उस चीज को पूरी जिंदगी रोने के और पूरी जिसको उससे अपनी जिंदगी या किसी की लाइफ जो है ना उसको हम बिल्कुल अबतर कर दें, तो अल्लाह ताला ने एक हमें हमारे मजहब में एक बड़ी अच्छी सी प्रोविजन रखी है, तो उसको मेरे ख्याल में अगर इस्तेमाल कर लिया जाए गो के ये बड़ा तल्ख फैसला और इससे काफ़ी ज़्यादा यानी कि साइड इफेक्ट्स के इस पे बच्चे अगर हैं तो उन पे पड़ते हैं,
बट एनीवे अगर इसमें अगर आप देखते हैं कि पूरी जिंदगी अगर आप एक चीज को लेके बैठ जाएंगे और वो आपको बिल्कुल जो है ना वो चीज आपके समझते हैं कि आपकी जिंदगी में वो बायसे जो है ना वो क्या कहते हैं रुकावट बनेगी हर तरफ से, तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत अच्छा है अल्लाह ताला की तरफ से ये अपना ये कुरान पाक में भी काफी जगह मकामात पे इसके मुतालिक आया है। तो फिर डिवोर्स जारी बात है अगर हो जाती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो डिवोर्स से निकाह किए ना, तो फिर इसमें क्या बात बुरी क्या है इसमें। तो बस ये है कि अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए कि जो भी जिंदगी का साथ शुरू हो रहा है वो अच्छा हो और उसमें आप एक ऐसी फैमिली बनाएं जिसमें आप अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी कर सकें और उसका शुक्र बजा लाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं जैसे वो पहले हदीस का हवाला मैंने दिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक एक इस्लामी बेस्ड माशरे बनाने में उसका एक यूनिट एक फैमिली होती है अगर वो बनाने में कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी सक्सेस है, रिगार्डलेस कि ये देखा जाए कि किसी का कलर कैसा है, किसी की हाइट कैसी है और किसी को डिवोर्स्ड है और उसका जो है ना हसब नसब कैसा है और वो कितने पैसे कमाता है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, इस्लाम में आपको इजाज़त है कि अपनी मर्जी की औरतों से यानी कि जैसा है मैंने सुना अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए निकाह करें, लेकिन फिर भी इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना एक ऐसा एक एलिमेंट बना लेना कि जिसपे आप बहस कर सकें और जिसको आप किसी को नीचे समझ सकें, तो ये इंतहाई जो है ना मेरे हाल में अच्छी सोच नहीं है। तो इससे हमें बचना चाहिए और बिल्कुल हमें वो देखना चाहिए, फिर हम गिला भी करते हैं कि हमारा जो है हम अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो परेशान रहते हैं। तो ये बेसिकली ये है कि अल्लाह ताला का ये बनाया हुआ निज़ाम है और उसके निज़ाम में अल्लाह ताला को मान के लेकिन उसकी कोई एक सिंगल बात भी ना मान के कैसे खुश रह सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन इन चीज़ों को जो हमने अपने ये बुत बनाए हुए हैं अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, सही इससे बात, बचना चाहिए। सही। अच्छा मैं इसमें बयान करूं कि देखिए इसमें मैं मौलाना का लिटरेचर पढ़ा था मधुरी साहब का, तो उन्होंने एक उनकी किताब है हुकूकु ज़ौजैन, तो मैं अपने इनको देखने वालों को सुनने वालों को बार बार ये कह रहा हूँ कि इस किताब को जरूर पढ़ें, और इस किताब के अंदर मियाँ बीवी के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर बयान किए हैं, उनके हुकूक और उनके ज़ौजैन। तो इनके इसमें एक देखिए मैं पढ़ा था कि जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में एक बड़ी चीज जो होती है मोहब्बत और रहमत, यानी एक दूसरे से लव एंड अफेक्शन अंग्रेजी में कहेंगे से, कितने जबरदस्त हैं। फरमाया कि अहम मकसद ये है कि नौ इंसानी की दोनों सनफों में मोहब्बत और रहमत यानी लव एंड अफेक्शन का ताल्लुक होना चाहिए ताकि मुनाकहत और तमद्दुन तो तहजीब के जो मकासद हासिल हैं वो हासिल हो जाए, और तुम इनको अपनी खानगी जिंदगी में वो राहत और मैसर हासिल करो, सुकून और आराम हासिल करो कि जिसका हुसूल उन्हें तमद्दुन से बालातर मकासद पूरा करने में कुव्वत फराहम करता है। कुरान मजीद में इस मकसद को जिस अंदाज से बयान किया गया है इस पर गौर करने से मालूम होता है कि इस्लाम की निगाह में जौजियत का तस्वुर ही लव एंड अफेक्शन है, मोहब्बत और रहमत, और जौजैन बनाए इसलिए किए गए माशाल्लाह मियाँ बीवी कि वे दूसरे के बाद सुकून हासिल करें। कुरान में आया है कि वमिन आयात ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजल लितस्कुनू लैहा वजअला बैनकुम मवद्दतुम वरहमा, कहा कि अल्लाह ताला की ये निशानियों में से एक निशानी है कि तुम्हारे लिए खुद उस तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा हो जाए, लव एंड अफेक्शन पैदा हो जाए। इस जगह फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुल लिबास हुन्ना, कि तुम एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हो। यहाँ जौजैन को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, लिबास वो चीज होती है जो इंसान के जिस्म से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, मुत्तसिल होती है और उसकी पर्दापोशी करती है और इसको खारजी फजा के मुजिर असरात से बचाती है। इस लिबास के इस्तारे को जौजैन के लिए इस्तेमाल करने से बताना ही मकसूद यह है कि इनके दरमियान मुनाकहत का तसव्वुर सिर्फ मानवी हैसियत से वैसा ताल्लुक होना चाहिए जैसे लिबास और जिस्म का होता है, इनके दिल और रूहें एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई मुत्तसिल होना चाहिए, ये एक दूसरे की सतरपोशी करें, एक दूसरे के ऐबों को छुपाएं, एक दूसरे को उन असरात से बचाएं जो उनकी इज्जत और उनके अखलाक पर हूफ लाने वाले हों। यही तकाजा है मोहब्बत और रहमत का, लव एंड अफेक्शन का, और इस्लामी नुक्ते नजर से ये अजवाजी ताल्लुकात की असल रूह है। अगर ये अजवाजी ताल्लुकात में रूह नहीं है तो गोया वो एक बेजान लाशा है। इस्लाम में अजवाजी ताल्लुकात के लिए जो कवानीन मुकर्रर किए हैं उन सब में इस मकसद को पेश नजर रखा गया है। जौजैन अगर एक दूसरे के साथ रहें तो सुलह और आशती के साथ रहें, मोहब्बत और हमदर्दी और दिली यकजहती के साथ रहें,
एक दूसरे के हकूक को अदा करें, आपस के ताल्लुकात में जेनरस हों, फैयाजाना बर्ताव रखें, लेकिन अगर वो ऐसा ना कर सकें तो फिर उनकी जो उनकी यकजाई जो है वो जुदाई से बेहतर है, क्योंकि मोहब्बत और रहमत की रूह निकल जाने के बाद अजवादी जिंदगी एक बेजान लाशे के सिवा कुछ नहीं। कितना जबर से लिखा है इसमें, देखिए कि बुनियादी ताल्लुक जो है दो मियाँ बीवी का अल्लाह ने रखा है, शादी के निकाह का मतलब सब सुभान अल्लाह, कि बिल्कुल दोनों दोनों में मोहब्बत और जना वो लव एंड अफेक्शन का होना चाहिए, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का, इसार का, वफा का जज्बा होना चाहिए। अगर ये जज्बात नहीं है तो फिर वो घर घर नहीं है असल में, वो मियाँ बीवी नहीं है, बल्कि दो अजनबी लोग रहते हैं जो घर में रहते हैं असल में। और अगर अगर इस तरह रहते हैं रहें अजनबियों की तरह, तो इससे बिल्कुल बेहतर है कि डाइवोर्स हो जाए। ये बात है असल में। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये अगर भाई की डाइवोर्स हो गई है तो इसकी कोई बुराई नहीं है, बल्कि कुछ वजुहत ऐसी हुई होंगी असल में कि जिसकी बिना पर इतना बिल्कुल बड़ा अहम फैसला हो गया। तो इनकी जरा दोबारा बताइएगा, इनकी वो पढ़ लेते हैं और बयान कर देते हैं। ये तो ये जनाब हमारे दोस्त हैं मोहम्मद काशिफ साहब, 46 साल इनकी उम्र है, लंदन में ये रहते हैं, ब्रिटिश हैं ये, और MBA इन्होंने किया हुआ है और सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसमें टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इनकी अपनी है, डाइवोर्स हैं किसी वजह से, और इनका जो ID है वो NKH017 है। तो जो लड़कियां देख रही हैं, लड़की वाले देख रहे हैं, वालदेन देख रहे हैं, और वो इनसे शादी में इंटरेस्टेड हैं, आपकी अगर बच्ची बड़ी हो गई है वो भी, उसके लिए आप प्रपोजल सोच सकते हैं, तो उनकी वो इस ID से मुझसे बाद में रابطہ करें, इंशाल्लाह उनका आपका उनसे रابطہ करा देंगे। तो आगे देखिएगा रान, और फिर हम शहजाद साहब से पढ़वाते हैं जरा कुछ और, अरुण शहजाद साहब से जी, ये ये। मैं देख रहा हूँ, ये अपना हमारे पास हमारी को बहन है, ये इनका नाम तो नहीं नजर आ रहा, बल एज 39 है, लोकेशन लंदन से है और नेशनलिटी इनकी ब्रिटिश है, और एजुकेशन वाइज ये MA सोशल साइंसेस है, और प्रोफेशन इनका टू बी कंफर्म भी यूनिट TBC है वो, और डिवोर्स है और नो चिल्ड्रन है। तो फिर वही बात है कि ये अपने जो हमने सेल्फ स्टैंडर्ड के लिए जो बुत बनाए इनको तोड़िए, आगे आइए, अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की मदद करें और उनको इस रिश्ते में उनकी हेल्प करें, और माशरे का ऐसा यूनिट बनाने में उनकी हेल्प करें जिससे हमारा वाकई एक्चुअल इस्लामिक माशरा जिसकी तरवीज हम चाहते हैं वो इसमें जो है ना फॉर्म करे, और हम वाकई जो है ना उस तरीके से आगे बढ़ें जैसे कि इस्लामी माशरा होना चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना तलहियाँ बढ़ती हैं। तो जो जो बुत हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं उनको छोड़िए, मैं तो मुझे यही समझ आती है, और मेरा ख्याल है कि अब जो जितने मर्जी आप अगर आप स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं, लेकिन अगर आप एक साथ रहते हुए एक दूसरे को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर मेरा ख्याल है कि वो सारे स्टैंडर्ड्स पीछे रह जाते हैं। तो इज्जत दें, स्टैंडर्ड जो है ना ये छोड़ें, और ये ना इसमें जो हमारे पास जो अपने बच्चों की भी है चाहे वो छोटे भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी हमें तालीम और तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि ये चीज़ें उनको बेसिकली शुरू ही से पता हो, ताकि हमारे माशरे में जो डिफरेंट डिफरेंट जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जिनकी वजह से आगे माशरा टूटता है और बिखर जाता है, और हम देखते हैं न्यूज़ में क्या क्या हो रहा है, किस 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 कदर तक, किस हद तक बुराइयाँ बढ़ जाती हैं और जो है ना वो तलहियाँ भी बढ़ती हैं। तो उनसे बचने के लिए मेरे ख्याल में यही है कि जो स्टैंडर्ड्स हमें दिए गए हैं इस्लाम में उन पर अमल किया जाए, और ये जो स्टैंडर्ड्स हमने बना लिए हैं और जिस तरह से हम डॉज करके फिर यहाँ पे भी देखा हमने, बहुत ज़्यादा आम के लोग जो है ना वो अपना डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो उससे बचा जाए और एक मुकद्दस रिश्ते की उसी तरह से मुकद्दस तरीके से इज्जत की जाए, रिस्पेक्ट की जाए, और इसको एक माशरे का एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जो कि मिसाली हो। तो जाहिर बात सही, है ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं, तो मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ों को देखें, और जो सो कॉल्ड हम सब स्टैंडर्ड्स बनाते जा रहे हैं उनसे बचें, कितने चार क्योंकि पांच ये बेसिकली जो है ना बहुत फेक होते हैं, और विद द हैं, पैसेज ऑफ कितने टाइम मेरे ख्याल में इससे तलहियां बढ़ जाती हैं। और शमस भाई, मेरी आखिरी इससे में रिक्वेस्ट होगी आपसे कि ये जो प्रोफेशन की ये जो प्रोफाइल आप शो कर रहे हैं किसी एक जगह पे ऑनलाइन अगर आप बना सकते हैं कि जो भी बंदा रजिस्टर्ड होता है तो उसको अगर आप कोई ऐसा कोई इवेंट मुनक्किद करना चाहते हैं जिसमें ये लोग शामिल हो सके, चाहे वर्चुअली हो सके या फिजिकली हो सके, तो वो लोग शायद शिरकत करें और एक या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है ना फैमिली के वो मेंबर्स आएं, ताकि कोई ऐसा इवेंट हो सके या जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे या जिस तरह से सब यानी कि सबकी राय हो, तो एक मेरे ख्याल में इसमें इवेंट रखें और इसमें प्रोफाइल सबके लिए रखें, ताकि जो है ना इसको बिजनेस से भी बचाया जाए और इसको जो है ना इस मुकद्दस तरीके से इसकी जो है ना लोगों की हेल्प भी की जाए।
तो मेरे ख्याल में ऐसी प्रोफाइल का कोई ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, या कोई ऐसी कोई वेबसाइट्स, या जिससे आप रेलेवेंट बंदे जो है ना, जिनको आप इजाज़त दें तो वो देख सकें। तो और उसमें जारी बात है कि एक ट्रस्ट की बात होती है, तो ट्रस्ट का जो जारी बात है वो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि किसी को किस तरह से आप जानते हैं, या मज़ीद आगे वो देख सकते हैं आगे। तो मेरे ख्याल में एक सेंटर, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जिसमें जितने भी जो ना वो प्रोस्पेक्टिव लोग हैं, दोस्त हैं, बहन है, भाई हैं, वो सारे इसमें से है ना आपस में इंटरेक्शन उनके लिए इजी हो, और मजहब के अकॉर्डिंगली जिस तरह से हमें मजहब इजाजत देता है उस तरह से। सही। तो वरुण भाई, अब हमारा वक्त जो है वो अच्छा, इसमें एक बस आखिरी हम ये कर लेते हैं आपसे इसमें मशवरा कि इसमें देखिए ये जो खातून है जिनका आया है, तो ये भी डाइवोर्स्ड हैं। हमारे माशरे में आमतौर से बड़ा एक तो ये अजीब से कहते हैं ना, बुरा समझने होता है कि जी वो देखें जी वो तो मुतलका है, और खासकर खातून। हालांकि ये कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, जैसे अभी आपने फरमाया कि ये तो दोनों तरफ से होती है ना, ताली तो दोनों तरफ से बजती है। जरूरी थी कि खाली कहने के खातून ही का कसूर हो, मर्द का भी हो सकता है और कहीं कहीं खातून का कसूर भी होता है। तो डाइवोर्स होना तो मेरे ख्याल कोई ऐसी वो नहीं है, खातून का भी बोला। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। ये तो एक ऐसा है कि आपको एक एग्जिट दिया गया ना, जिस भी अगर आप मोटरवे पे भी चले जाते हैं तो रॉन्ग मोटरवे है, तो उससे भी आपको एग्जिट मिलता है कि आप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ताकि अपनी आप बिल्कुल डायरेक्शन जो है ना वो जो ना उसको सही कर सकें, बजाय कि आप पूरा सफर मुकम्मल करें उस पर। तो उससे बिल्कुल सफर करने से बेहतर है, इंग्लिश वाले सफर करने से बेहतर है कि आप एग्जिट ले लें। तो एग्जिट का एक जो ना इस्लाम में बड़ा अच्छा प्रोविजन दी है, तो मुझे सही बात लगता है कि इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए, इसको बुराई नहीं समझना चाहिए। तो हालात पैदा हो बिल्कुल जाते हैं ऐसे बाज़ दफ़ा, तो अल्लाह ताला हम सबको जाना इसकी तौफीक दे, और सुने सुनने और समझने की, और पर्टिकुलरली उस पर अमल करने के लिए जिसका वाकई हमें हुक्म है, जो हमने खुद बनाया बिल्कुल हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसका हुक्म है। सही। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारा वक्त जो है वो चूंकि पूरा होता जा रहा है, और हमने 9 बजे मगरिब का वक्त भी होने वाला है, हमने आज का दिन दिन जो है वो इसी लिए रखा था। इंशाल्लाह इसको हम अगले इतवार को भी जो रह गए हमारे पास, अभी काफी असल में हमारे पास प्रपोजल रह गए हैं, और इसके अंदर हम एक हफ्ते में मजीद इस पर कुछ काम करेंगे। जो लोगों के रबते होंगे उनके रबते आपस में कराएंगे, जिन लोगों ने अभी अपना यकीन नोट किया होगा, जिन लोगों ने उसको नोट नंबर को नोट करके रखें उस नंबर को हमें बताएं, तो इस हफ्ते के अंदर हम उनकी अभी सिलसिला प्रोसेस जारी रहेगा। असल में ये रुकने वाला तो नहीं है, सुनो ये काम ऐसा नहीं कि एक दिन का हो, अभी मुस्तकिल बुनियादों पर ये काम करना पड़ेगा, और आपको पता है कि इसमें काफी मेरी मेहनत, वक्त और इसे लगेगा। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, और मुझे अच्छे इसमें इसका हौसला दे, इस काम करने का मुझे अजर दे, और इसमें मैं आमीन। बताऊं कि इसमें मैं पूरी फैमिली में यकीन करने लगी रही है इसमें, ये मेरे बच्चे इसमें लगे रहे, कल से हम लोग परसों से इस पे काम कर रहे हैं, ये सारी स्लाइड्स बनाई है, सबका डाटा जमा किया है, सबके फोन रिसीव किए हैं, सबके जनाब व्हाट्सएप मैसेज शुरू किए हैं, सबको बराबर किया, सबका लिखा हमने, मेरी बेगम ने ये मटेरियल तैयार किया, तो काफी हम लोगों ने यकीन करें, खासकर रूहान ने इसमें बहुत मेहनत की, हम लोगों ने सबने मिलकर पूरी ये समझ लिया कि हमारा घर पूरा एक फैमिली पूरा ये काम कर रही है, पूरी कंपनी बनी हुई है समझिए जो ये काम कर रही है, और इसमें कोई हमारी गर्जो गायत नहीं सिवाय अल्लाह ताला की रजा हमको हासिल हो जाए। और ये हम चाहते हैं कि मुसलमान एक दूसरे के करीब हों, कम्युनिटी एक दूसरे के जुड़े आपस में, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे में मोहब्बत हो, उल्फत हो, और एक दूसरे की मदद करें असल में, और सिर्फ अल्लाह के वास्ते काम करें। और दूसरी हमारी खुशी ये कि हम लोगों को इस तरह से लोगों को इस्लाम के करीब भी लेकर आए, इस्लाम की बहुत मोहब्बत उनके दिल में डालें, अल्लाह की मोहब्बत डालें, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डालें, इस्लाम की तालीमात को आम करें, लोगों की फिक्रों को, जहन को, उनके अकायद को दुरुस्त करें, और सबको जो है वो अल्लाह की बुनियाद के ऊपर, कुरान की बुनियाद पर लोगों को जमा कर दें। तो मेरी अब आपसे गुजारिश ही होगी कि इस सिलसिले को आप हमारे साथ रबते हमारे रबते में रहिए, और मुस्तकिल रबते में रहिए। अब ये कि ये इंशाल्लाह हम खत्म इसको नहीं करेंगे, और आपके रबते मुस्तकिल बढ़ाएंगे लोगों से, जिन जो लड़की वाले हैं उनकी मदद भी करेंगे, जो लड़के वाले हैं उनकी मदद भी करेंगे, जो डाइवोर्स्ड हैं बच्चे बच्चियां उनकी मदद भी करेंगे, जो जो किसी और वजह से बेचारे जो बेवा हो गए हैं, जिनके बच्चे हैं जिनके नहीं हैं, इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे, उनके फैमिली के जितने मसाइल इंशाल्लाह उसमें दिलचस्पी हम लेंगे, और उनके जो भी जितनी ताकत हमारे अंदर इंशाल्लाह वो करने की कोशिश करेंगे, और किस लिए करेंगे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और आप सब की मोहब्बत दुआएं हमको हासिल हो जाएं, और हम सब जो है वो अल्लाह ताला की छतरी तले सब जमा हो जाएं। तो मेरी इंशाल्लाह हम आपसे याद लेंगे, लेकिन ये आप इसको खत्म मत समझिएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा, और आपने जो बेटा दिया है ये बिल्कुल महफूज है, इस पर आप ट्रस्ट कीजिए, आप बिल्कुल हम पे भरोसा कीजिए, हम किसी को इसको आपकी बगैर इजाजत
हम किसी को आपका डाटा नहीं दिखाएंगे, ना किसी की तस्वीर दिखाएंगे, ना आपकी डिटेल्स किसी को बताएंगे। जब आप इंटरेस्ट अपना जाहिर करेंगे तभी हम आपका जो मुतालिका और आपका पसंदीदा जो रابطہ होगा उससे हम कराएंगे। ये फॉर्म देखिए आखिर हमने दिया हुआ है, इस फॉर्म की जो इस पे लिंक भी दिया हुआ है, आप देखें गो टू लिंक, अगर आप लिंक के ऊपर, अच्छा बाद में हमारा प्रोग्राम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं सारी, आप देखते रहिएगा उस रिकॉर्डिंग में, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सामने आ जाएगा, ताकि नया डाटा जब आप भरें तो इस फॉर्म पे भर के भेज दें मुझे। इसके अलावा आप देखिए इसका ये जो, अगर आप इसको अपने फोन से खींच लें जाके तो तब भी ये हो जाएगा, अगर आपके पास मोबाइल है, और ये जो आप देख रहे हैं कि निशान, ओपन योर फोन कैमरा एंड पॉइंट एट दिस इमेज, ये इमेज जो बना हुआ है ना, आप सब लोग जानते हैं यहाँ रहते हैं ब्रिटिश बरतानिया में रहते हैं, इस इमेज पे जाके अगर आपको क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके खुद ब खुद आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। तो ये भी आप कर लीजिए आप, और डाटा आप अपने अपने फिर की आपसे गुजारिश है कि रोजाना हमारे प्रोग्राम को देखिए, हम रोजाना यहाँ पर 8 बजे आते हैं, 8 से लेकर 9 तक हमारा प्रोग्राम होता है, जिसमें कुरान का दर्स होता है, कि जिसके अंदर हमारी मैं बात करता हूँ, जिसमें रूहान हालात हजरत करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, फरजान बात करते हैं, मुबीन बात करते हैं, सुल्तान बात, अब माशाल्लाह आप देखिए हमारे हारून साहब भी आ गए, ये हमारे संडे सर्कल के इंचार्ज हैं और बहुत प्यारे ओरेटर है, मैंने उनसे कहा था भाई आपकी जरूरत रोजाना शाम को पेश आती है, अब इंशाल्लाह एक हफ्ते में इनको हम शाम को लिया करेंगे किसी प्रोग्राम के अंदर इनको भी, और ये इंग्लिश में उर्दू में सब में बात कर लेते हैं माशाल्लाह, तो इनको इस्तेमाल करेंगे हम। और भी आपकी से गुजारिश है कि इसको रोजाना देखिए और अपने हल्के अहबाब में, अपने दोस्तों में, अपने कम्युनिटी में इसको फैलाइए। इस काम को हम चाहते हैं कि काम फैले, हम चाहते हैं कि शमा से शमा जले, दिए से दिया जले, और हम एक दूसरे के साथ आगे मिल मिल के, हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें और इस सोसाइटी को हम फला पहुंचाएं। ये सोसाइटी जो है इसके अंदर लोग देखें कि ये इस्लामी सोसाइटी कैसे होती है, ये इस्लाम के जो नाम पे लोग मुसलमान हैं ये एक दूसरे के कैसे काम आते हैं और दूसरों के भी काम आते हैं, हम दूसरों की भी मदद करने को तैयार हैं। तो ये हमारे जनाब अजाइम है। अब दुआ पे अख्तिताम करते हैं, और दुआ कीजिए आप हमारे लिए भी, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको इस कोरोना वायरस से बचाए, अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी से बचाए, आमीन। हर किस्म की तकलीफों से बचाए, अल्लाह जो परेशानी आ गई हम पे परेशानी को दूर फरमा दे, अल्लाह जो बीमार है उन्हें सेहत आयलो कामला अता फरमा दे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारी माली परेशानियों को दूर फरमा, हमारी और तंगियों को दूर फरमा, हमारे सारे मसाइल को हल फरमा दे, परवरदिगार आलम हम पे करम फरमा दे, अल्लाह रहमत की कोई ऐसी बारिश बरसा कि जिससे ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए, कोई रहमत की ऐसी हवा चला दे कि जिससे कोरोना वायरस खत्म हो जाए, अल्लाह अपनी जमीन की रौनकों को वापस लौटा दे, अल्लाह जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां जो रिश्तों की तलाश में, अल्लाह उनको रिश्ते अच्छे अता फरमा दे, उनके माँ बाप को सुकून अता फरमा दे, उनके माँ बाप को आंखों की ठंडक नसीब फरमा दे, वो माँ बाप जो है अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से बहुत ऐसन तरीके से फारिग हो जाए अल्लाह ताला, उनकी परेशानियों को और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके बोझ को अल्लाह ताला कम कर दे, और अल्लाह उनके इस बोझ को कम करने में हमें सबब बना दे, परदिगार हमारे आलम हमारी मदद फरमा दे, हम पे करम फरमा दे, हमको ताकत दे दे, हमको हौसला दे दे, ईमान दे दे, हमें सेहत अता फरमा दे, हम सबको अल्लाह ताला हमसे करम फरमा। इंशाल्लाह कल 8 बजे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, सल्लल्लाहु ताला अला आखिरी खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम।